गाइस एक अपडेट है यहाँ पे सीएससी वीएलईस के लिए। जो यहाँ पे जो सीएससी वीएलई है या एयरटेल का एपीएस यूज़ करते हैं उन सभी के लिए ये खबर है। अब खबर कैसा है, एक तरह से बताएंगे ये बैड न्यूज़ है। मतलब कि अगर आप न्यू सीएससी है तब तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये मोरफो का आप देख सकते हैं। इसी तरह के पास मंत्रा का भी डिवाइस होगा। तो ये क्या है कि ये L0 डिवाइस है। अगर आपने पहले लिया होगा तो ये L0 डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या है कि ये डिवाइस UDI के तरफ से बंद कर दिया गया, मतलब कि आधार के तरफ से यहाँ पे ये डिवाइस बंद कर दिया गया। ये 30 जून तक ही काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। अगर आप AEPS ट्रांजेक्शन करते हैं तब, मतलब कि पैसा निकालते हैं और बैलेंस चेक करते हैं ये सब चीज़ें, 30 जून के बाद इस डिवाइस पे या मंत्रा का है जो L0 डिवाइस है उस पर बंद हो जाएगा। तो बहुत बुरी खबर है हम लोगों के लिए, और जो बिजनेस पहले से कर रहे हैं उनके लिए चलो ठीक है यार, वो तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देंगे, उन्होंने प्रॉफिट ले चुका है। मगर जो नए नए हैं वो क्या करें, अभी नया डिवाइस लिए उसके बाद अब इसको जो है फेंकना पड़ेगा, दूसरा खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको जो है L1 डिवाइस यहाँ पे परचेज़ करना होगा। अगर आप CSE के DM से आप कनेक्ट होंगे तो उन्होंने आपको एक मैसेज भेजा होगा कुछ इस तरीके से, वो बता रहे होंगे कि आपको ये ख़रीदना है, ठीक है। या तो आप एयरटेल APS यूज़ करते हैं, एयरटेल का रिटेल ID है पेमेंट बैंक का, तो वहाँ पे भी आपको एक नीचे फोटो दिखाई देती है कि आप जो है ये डिवाइस खरीदिए, 30 जून के बाद बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ये हुआ क्यों और क्या सच में आपको जो है ये लेना पड़ेगा, और लेना है तो क्या आपको सिर्फ मंत्रा का ही लेना होगा, क्योंकि दोनों के तरफ से आपको मंत्रा ही बताया जा रहा है। तो सब पे आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको पूरा जवाब देंगे। आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो है और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये जो डिवाइस है क्या ख़रीदना पड़ेगा, नहीं तो बता दें हाँ बिल्कुल आपको लेना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मंत्रा के लिए, आप मोरफो का भी ले सकते हैं। ये मोरफो डिवाइस है तो आप इसको भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बताया जा रहा है वही लीजिए आप, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंपनी की तरफ से टाइप होता है उनका, कंपनी कुछ प्रॉफिट देती है, जैसे मंत्रा वालों ने CSC को कुछ प्रॉफिट दे दिया, वहाँ पे जाके एयरटेल वालों को भी कुछ प्रॉफिट दे दिया, तो वो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ मंत्रा ही लेना, आप मोरफो भी ले सकते हैं या और भी कोई कंपनी हो, मगर वो L1 डिवाइस होना चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखें। आप कैसे आपको पता चले L1 L0 है खरीदते समय, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों का, मंत्रा लिख के भी है और मोरफो भी लिख के है। तो आपको जो कंपनी अच्छी लगती है आप ले सकते हैं। अब दोस्तों ये बताते हैं कि ये क्यों ऐसा किया गया, तो बताते हैं कि ये जो L1 डिवाइस है ये नए टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा यहाँ पे अपग्रेड किया गया पुराने को। इसमें आपको कुछ नए सॉफ्टवेयर अपडेट करके यहाँ पे ये मिलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो फिंगर आप स्कैन करते हैं उसमें सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इनक्रिप्टेड जो सिक्योरिटी होती है वो यहाँ पे बढ़ाया गया है, ताकि आप दोबारा से यहाँ पे जो है उसका जो हैकर्स होते हैं ना बहुत दिमागदार होते हैं, वो सब हैक वैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसको इनक्रिप्टेड करके थोड़ा सा और भी अच्छा यहाँ पे सिक्योरिटी कर दिया गया, और फिंगर जो स्कैन हो और अच्छे तरीके से हो, तो ये सारी चीज़ें इस L1 डिवाइस में की गई। बस इसी वजह से जो है यहाँ पे L0 को L1 में यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया। अब जो पुराने L0 थे उनको हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पे हो रहे थे, बहुत सारे कंपनी बहुत लोग जो है मिल के यहाँ पे फ्रॉड कर रहे थे। तो UDI ने क्या किया कि इसको जो है बंद कर दिया, नया वो जो है नए सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पे वो नए डिवाइस यहाँ पे उन्होंने जो है मार्केट में जो है लॉन्च करवाया। तो अब जो है आपको L1 डिवाइस लेना है, दोनों में कोई भी कंपनी हो L1 डिवाइस होना चाहिए। वहाँ पे आपको क्लियर कट मेंशन रहेगा L1 RD1 यहाँ पे लिखा रहेगा, RD L1, तो वो आपको यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। अब आपको मन में डाउट है, कोई सवाल है, तो वो भी आप कमेंट पूछ सकते हैं, और लेने के लिए आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो है नीचे कमेंट में, आपको कमेंट कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने L1 डिवाइस के अमेजोन के जो लिंक है वो दे दिया, आप जाके वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं और सेम वही डिवाइस आप लीजिए। नहीं ऐसा नहीं तो आप जाएंगे कोई देखेंगे ऐसे इस तरीके जो पुराने डिवाइस थे उसके प्राइस यहाँ पे कम हो गए हैं, तो आप उसको ले लेंगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आप 30 जून के बाद काम नहीं करेगा। और कुछ लोग के मन में ये भी डाउट होगा कि क्या 30 जून के बाद जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है वो पैसा निकलने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक बैंक नहीं चाहेगी तब तक आप जो है कोई भी डिवाइस ले लेंगे, पैसे नहीं निकलेंगे,
तो यार थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना चाहिए, लोगों के अफवाहों में मत रहिएगा। लोग जो बोलते हैं, कुछ लोग दिखा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, सब डिपेंड करता है कि मैं, जैसे मेरा कोई चीज़ है, मैं किसको परमिशन देता हूँ, जिसको दूंगा वही कर पाएगा एक्सेस, नहीं दूंगा तो नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से बैंक है, तो बैंक अगर देगा एक्सेस तो तभी आप APS ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, नहीं देगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है अब L1 डिवाइस लेना है, और जो काम आप करते थे वो आप कर पाएंगे L1 डिवाइस से, और ये डिवाइस बेकार हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है, ये डिवाइस आप और भी किसी काम में कर सकते हैं जहाँ पे फिंगर वाला काम हो। ये सिर्फ APS के लिए ये डिवाइस चेंज हो रहा है, मतलब कि सिर्फ मनी पैसे निकालने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए, सिर्फ इसीलिए ये डिवाइस चेंज हो रहा है। बाकी अदर चीज़ जो भी आप करते थे वो इससे काम होगा। अगर आप बैंकिंग का काम नहीं करते तब तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जरूर ध्यान में रखें, अगर आप आधार का, जैसे आधार सेंटर है, आधार का मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करते हैं, तब उस केस में इसको चेंज करना पड़ेगा। जहाँ भी आप आधार से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे वहाँ पे इसकी L1 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अदरवाइज हर जगह आपको पुराना डिवाइस कोई भी आप ले लेंगे वो काम करेगा। ठीक है, तो अब इतनी डिटेल में कोई ही समझा पाएगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आपको लेना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऑर्डर करिए, ले लीजिए, बेझिझक आप लेके ऑर्डर करके मंगा लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको CSC में ये स्टोर ग्रामीण में जाना है, वहाँ पे अपना सर खपाना है। ऐसे अच्छा है कि आप जो है अमेजोन पे जाइए, खरीदिए और ऑर्डर कर दीजिए और ले लीजिए। ठीक है, कोई नहीं जाने की जरूरत है। किसी DM वेम की बात मत सुना करिए, सब आप ये भी मत सोचा करिए कि CSC कोई सरकारी कंपनी, ऐसा कुछ नहीं, सब प्राइवेट कंपनी है, कंपनी एक तरीके से है। आप CSC के जो है यहाँ पे CSC के लिए आप काम करते हैं ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो उनके कहने पर मत आइए, अपने मन से जाइए और अमेजोन आप फ्लिपकार्ट कहीं भी आपको मिलता है तो ऑर्डर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाके आप ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने बेस्ट बाय लिंक दे दिया, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट इससे रिलेटेड है, कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ थोड़ा सा बिजी रहता हूँ और थोड़ा सा मन भी नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, तभी तो मन लगेगा वीडियो बनाने के लिए। इसी वजह से थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर बनाएंगे। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दूं ताकि आप लोग अलर्ट हो जाए, सतर्क हो जाए और ख़रीद लें, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।